तो हेलो एंड वेलकम अगेन दोस्तों, जवान के डे 10 की फाइनल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अर्ली एस्टिमेट्स की प्रिडिक्शन रिपोर्ट आ चुकी है। तो इससे पहले शुरुआत करने से पहले आज बात करेंगे पहले 9 दिन में कल तक डे 9 तक कितनी कमाई कर चुकी थी ये हिंदी से, ऑल इंडिया नेट से, ओवरसीज से और पूरी दुनिया से। जहाँ दोस्तों पहले 9 दिन में हिंदी से 366 करोड़ के आंकड़े को टच कर लिया था मूवी ने और पहले 9 दिन में ऑल इंडिया नेट कलेक्शन 410 करोड़ के आंकड़े को सिक्योर कर लिया था अपने खाते में। और अभी तक पहले 9 दिन में तमिल और तेलुगु से मतलब साउथ से 44 करोड़ का बाप कलेक्शन कर लिया है। भाई साहब 44 करोड़ का कलेक्शन मामूली कलेक्शन नहीं है, वो भी साउथ से किसी भी बॉलीवुड मूवी के लिए, किसी भी हिंदी मूवी के लिए ये इतना जबरदस्त आंकड़ा, वो भी सिर्फ 9 दिन के अंदर ही। अभी तो रेस्ट ऑफ द डेज बाकी है, अभी तो पूरे 20 दिन और चलनी है मूवी, मिनिमम 20 दिन तो चलनी ही चलनी है, मैक्स टू मैक्स कितनी भी चल सकती है। इसी के साथ पहले 9 दिन के वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात करूं तो 735 करोड़ के आंकड़े को कल 9 दिन तक टच कर लिया था मूवी ने पहले 9 ही दिनों में। ह्यूज कलेक्शन, इट्स अ बिग ह्यूज कलेक्शन। 9 दिन में ही 735 करोड़ का आंकड़ा टच करना कोई मामूली बात नहीं है, वो भी फ्राइडे वर्किंग डे के एंड ऑफ द डे तक। अभी आज का सैटरडे बाकी है और कल संडे बाकी है, जो यहां से बाप कलेक्शन होने वाली है कोई अर्ली एस्टिमेट्स बता ही नहीं सकता, प्रिडिक्शन ही नहीं कर सकता, इतनी जबरदस्त लेवल की कमाई होने वाली है। तो आज बात करते हैं डे 9 में मॉर्निंग से लेके इवनिंग से लेके नाइट तक कैसी क्या ऑक्यूपेंसी रही है, क्या रुझान रहा है, कितनी कमाई ये कर चुकी है या करने वाली है आज हिंदी से, नेट इंडिया से, ओवरसीज से और क्या कहते हैं वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस से। तो मॉर्निंग टू इवनिंग टू नाइट तक ओवरऑल डे की ऑक्यूपेंसी रही है आज 35-37% के साथ, जो लगातार ट्रेंड करती रही है। और इवनिंग से नाइट तक जबरदस्त हाउसफुल शोज के बैनर लगाकर मूवी लगातार ट्रेंड कर रही थी, ट्रेंड ही नहीं तबाही मचा रही थी भाई साहब। तो आज हिंदी से मूवी 30 करोड़ की कमाई करते नजर आ रही है दोस्तों, ह्यूज कलेक्शन 30 करोड़। बाय गॉड, मैं कह रहा था ना कि संडे और सैटरडे को ये पूरा ही आंकड़ा बदल जाएगा, जो अभी तक वर्किंग डेज में देखने को मिल रहा था, कभी हिंदी से 18 करोड़ आ रहे हैं, कभी 16 करोड़, कभी 19 करोड़। तो सैटरडे है ये और कल संडे होगा, कल संडे का तो बता ही नहीं सकते, 30 करोड़ से तो अब अभी आना है सिर्फ हिंदी से। और तीनों लैंग्वेज को मिलाकर नेट कलेक्शन आज इंडिया से 10वें दिन में 32 करोड़ से 33 करोड़ के कलेक्शन करते दिख रही है जवान मूवी। और ग्रॉस में आज पूरे दिन में डे 10 में 40 करोड़ की कमाई अपने खाते में लाते दिख रही है मूवी। और इसी के साथ बात अगर ओवरसीज की करें तो कल डे 9 में आया था, फ्राइडे का कितना आया था, फ्राइडे तक 19 करोड़, ह्यूज कलेक्शन थी। तो आज तो सैटरडे है, फिर आज कितना आएगा भाई साहब, सिर्फ ओवरसीज से आज कहीं नहीं गया, डेफिनेटली लिख के ले लो 20 करोड़ आने ही आनी है, मिनिमम आंकड़ा है, इससे ऊपर कितना भी आ सकता है। अर्ली एस्टिमेट की रिपोर्ट है, प्रिडिक्शन रिपोर्ट है, फाइनल ऑफिशियल रिपोर्ट नहीं है लेकिन ऑफिशियल प्रिडिक्शन रिपोर्ट है। तो कल जब डे 10 की ऑफिशियल रिपोर्ट आ जाएगी उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे जैसा कि हर दिन करते हैं, और डे 10 का फुल कवर अप करेंगे, कितनी क्या कमाई करी है मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक, नाइट तक, हिंदी से, नेट इंडियन से, ओवरसीज से, वर्ल्ड वाइड से। तो कल जब ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी उस पे एक अलग से वीडियो बना दी जाएगी। तो आज डे 10 में पूरी दुनिया से आज सैटरडे में एंड ऑफ द डे तक मूवी 60 करोड़ का जादुई आंकड़ा अपने खाते में रख रही है धड़ल्ले से। तो इसी के साथ अगर मैं बताऊं तो पहले 10 दिन में सिर्फ हिंदी से मूवी 396 करोड़ का कलेक्शन करते दिख रही है, 396। ये अर्ली प्रिडिक्शन रिपोर्ट है, कल जब ऑफिशियल रिपोर्ट आएगी तो मे बी शायद मैं मान के चल रहा हूं या फिर बहुत कम चांसेस तो नहीं कहेंगे लेकिन स्लाइटली टच कर जाएगा, शायद 400 करोड़ के आंकड़े को ये टच कर जाए पहले 10 दिन में सिर्फ हिंदी से। अगर बाय गॉड अगर हिंदी से 10वें दिन में 400 करोड़ के आंकड़े को ये टच कर गई मूवी तो भाई साहब इस रिकॉर्ड को किसी का बाप नहीं तोड़ पाएगा आने वाले 10 साल तक, बाय गॉड। क्योंकि पहले 10 दिन में इट्स अ बिग ह्यूज कलेक्शन, अभी भी 396 करोड़ कर रही है, ये भी कोई कम आंकड़ा नहीं है, बहुत जबरदस्त आंकड़ा है। लेकिन अगर 400 करोड़ टच हो जाते हैं मजा आ जाएगा भाई साहब। और पहले 10 दिन में नेट इंडिया कलेक्शन कितना कर चुकी है मूवी आज करते दिख रही है, 442 करोड़ के आंकड़े को अपने नाम करते दिख रही है। इसी के साथ पूरी दुनिया से आज पहले 10 दिन में मूवी 795 करोड़ का कलेक्शन कर लेगी और कल संडे में ये आंकड़ा 850 करोड़ हो जाएगा। तो आज 10वें दिन तक पहले 10 दिन तक मूवी पूरी दुनिया से 795 करोड़ का कलेक्शन कर रही है। मैं फिर कहूंगा ये अर्ली प्रिडिक्शन रिपोर्ट है बॉक्स ऑफिस की, जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तो मे बी ये आंकड़ा 800 करोड़ भी हो जाए, मे बी, और पॉसिबल है क्योंकि हम जब जो
प्रिडिक्शन रखते हैं, हम जो अर्ली एस्टिमेट रखते हैं वो अपनी एक्सपेक्टेशन से थोड़ा कम ही रखते हैं, क्योंकि जब एक्सपेक्टेशन से जब ज़्यादा आ जाता है, उम्मीदों से जब ज़्यादा मिल जाता है तो मज़ा आ जाता है भाई गॉड। तो ये देखेंगे अगर पहले 10 दिन में 800 करोड़ ये टच कर गई तो भाई मज़ा आ जाएगा भाई गॉड, सच में मज़ा आ जाएगा। और कल 850 करोड़ तो ये टच करेगी ही करेगी संडे एंड ऑफ द डे तक, जो मैं पिछले 2-3 दिन से प्रिडिक्ट करते आ रहा हूँ कि संडे तक ये मूवी 850 करोड़ के आंकड़े को क्रॉस कर जाएगी और हो सकता है 900 करोड़ भी टच कर जाए। तो 900 करोड़ टच करना देखो इम्पॉसिबल नहीं है, जवान के लिए इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है। तो मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन पुटअप करूँगा, मैं यहाँ आपके लिए ये सवाल छोड़ के जाऊँगा, ये आप लोग बताएंगे कि क्या मूवी कल एंड ऑफ द डे तक 900 करोड़ टच कर जाएगी या नहीं कर जाएगी, कल संडे ख़त्म होते होते, ये आप लोग बताएंगे आप लोगों की क्या राय है, क्या मूवी कर जाएगी 900 करोड़ टच, फटाफट नीचे कमेंट बॉक्स पर अपनी राय जरूर शेयर करके जाना। बाकी मूवी रिव्यू और बॉक्स ऑफिस से जुड़ी सभी अपडेट्स के लिए और बॉलीवुड हॉलीवुड साउथ फिल्मों के अपडेट्स के लिए हमारे साथ ऐसे जुड़े रहना, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, दूसरा अंगूठे वाला बटन दबा के वीडियो को लाइक जरूर करना। मिलते अगली वीडियो में, जय हिंद।